हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट सीएन गजबीये। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसोप्रोफाइल अल्कोहल, या जिसको स्प्रिट कहा जाता है, या जिसे रबिंग अल्कोहल भी कहा जाता है, उसका आज मैं आपको रिव्यू बताऊंगा। आपने देखा होगा, इंजेक्शन लगाने से पहले उस जगह पर रब किया जाता है जहाँ इंजेक्शन लगानी होती है, तो उसमें कॉटन के साथ एक लिक्विड लिया जाता है, वो लिक्विड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन होता है, या जिसे डॉक्टर स्प्रिट भी कहा जाता है, या रबिंग अल्कोहल कहा जाता है। उसे लेकर जहाँ इंजेक्शन लगानी होती है, वहाँ पे उस जगह को साफ किया जाता है, ताकि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन यदि उसमें स्किन पे है तो इससे ना फैले, और कहीं चीरा लगाना, ऑपरेशन करना, चीरा लगाना हो, ऑपरेशन करना हो, तो उससे पहले भी इसे लगाया जाता है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते वक्त, चीरा लगाते वक्त इससे पहले लगाया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन या फिर स्किन पर चीरा लगाया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आए नहीं इससे पहले प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस स्थान पर, उस स्किन पर है या नहीं है, इससे मतलब देखा जाता है कि यदि इन्फेक्शन है तो इससे लगा दिया जाता है, इन्फेक्शन नहीं भी है तो लगाया जाता है, इन्फेक्शन है तो भी लगाया जाता है, ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे अपने हाथों को साफ करना है। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और इसे सैनिटाइज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये सैनिटाइजर नहीं है, ये चीज़ों को सैनिटाइज करता है। ये डेली यूज़ के लिए नहीं है, ये मेडिकल स्प्रिट होता है, एक तरह का ये प्रॉपर मेडिकल स्प्रिट है, प्योर स्प्रिट है, जो कि केवल क्लिनिक पर्पस के लिए यूज़ होता है। इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए कॉटन में लेकर इंस्ट्रूमेंट को वॉश कर लिया जाता है, जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को साफ करने के लिए इसी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, उसे कॉटन की सहायता से उसे वॉश कर लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है। बैक्टीरियल वायरल फंगस हो रहा है, ये उसे वेपोराइज कर देता है। बैक्टीरियल और वायरस जो फंगस होते हैं, ये उसे हटा देता है, रिमूव कर देता है। ये बैक्टीरियल सेल और बैक्टीरियल फंगस किसी भी प्रकार की शरीर की गंदगी को साफ कर देता है। यदि आपके शरीर में कहीं भी गंदगी, या फिर बैक्टीरियल वायरस, या फिर पिंपल्स, या फिर कहना चाहिए कि आपको खुजली हो रही है, यदि आप इसे लगा लोगे तो ये मान के चलो कि वहाँ से गंदगी को दूर कर देता है, साफ कर देता है। आपने देखा होगा क्लिनिक्स में इंजेक्शन लगाने से पहले उस जगह को रुई कॉटन से रगड़ कर साफ किया जाता है, ताकि स्किन पर यदि कोई गंदगी, बैक्टीरिया या फिर मैल हो तो साफ हो जाता है। इससे स्किन पर इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से प्योर सैनिटाइजर है। ये एंटीसेप्टिक टॉपिकल आइसोप्रोपाइल सॉल्यूशन है, एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कहना चाहिए कि जो सैनिटाइजर होता है, सैनिटाइजर प्योर सैनिटाइजर नहीं होता है, उसमें भी ग्लिसरीन और एलोवेरा और कुछ कुछ मतलब मिला होता है, तो सैनिटाइजर तैयार होता है। पर ये प्योर सैनिटाइजर है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है प्योर सैनिटाइजर का काम करता है, प्योर सैनिटाइजर है। आज हाथ में लेकर ऐसा करोगे, आपका हाथ सैनिटाइज हो जाएगा। यदि आप हाथ में लेकर इसे हाथ को वॉश करते हो तो आपका हाथ सैनिटाइज हो जाता है। आपको बार बार जाकर हाथ धोने की जरूरत नहीं है। आप नर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं
या फिर हॉस्पिटल में वार्ड बॉय हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं। हॉस्पिटल क्लिनिक्स में जैसे देखा गया है कि या हॉस्पिटल में क्लिनिक स्टूडेंट्स जो होते हैं कॉलेज स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट हॉस्पिटल में नर्सेज जो होती हैं, तो जैसे कि किसी पेशेंट का यदि पस लग गया है, मतलब जख्म लग गया, पस लग गया हाथ में, तो अब वो बार बार हैंड वॉश करने तो जाएंगे नहीं, तो ये इससे आप हैंड वॉश करेंगे, इसी से हैंड वॉश करते हैं तो ये प्योर सैनिटाइज का काम करता है, आपके हाथ साफ हो जाता है। इसका इस्तेमाल करने से मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे मतलब कहना चाहिए कि ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिक्विड है, सोल्यूशन है, इसके ना जाने कितने सारे उपयोग हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में स्प्रिट के रूप में, डॉक्टर स्प्रिट के रूप में मिल जाएगी। ये एक ज्वेलनशील प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्शन के रूप में किया जाता है, ये इन्फेक्शन को दूर करता है। आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन को वीडियो में, आपको इसका यूज भी दिया गया है कि कैसे इसको यूज करना है, उसमें बोतल में लिखा भी है फॉर जनरल, इसमें लिखा है जैसे आप पढ़ सकते हो, फॉर जनरल स्पेसिफिक क्लीनिंग पर्पस। कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% होता है, बोतल में लिखा है आप देख सकते हो, कीप द बॉटल टाइटली कैप्ड एंड स्टोर इन अ कूल डार्क प्लेस, कीप अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम, आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। 100 ml का है, MRP की बात की जाए तो इसमें 45 MRP है, किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। आप इससे अपना हैंड वॉश कर सकते हैं, इससे अपना प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कर सकते हैं, किसी कटे छिले स्थान पे इसको लगा सकते हैं, कट गया है छिल गया है उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये प्योर सैनिटाइजर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आप देख सकते हैं वीडियो में इस आइसोप्रोपाइल को कैसे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन से कैसे हैंड को वॉश किया जाता है, कैसे साफ किया जाता है। कॉटन की मदद से बहुत सारे घाव में इसका उपयोग किया जाता है, घाव को साफ करने के लिए, कट गया है छिल गया है जल गया है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक लिक्विड की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड ही कहेंगे इसको, काम करता है, डॉक्टर स्प्रिट है एक्चुअली ये। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।